हाय, दिस इज रुचिशा, वेलकम टू द किचन निंजा। आज जो डिश मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाली हूँ वो एक ब्रेकफास्ट डिश है और जनरली सभी के घर पे बनती है रोज, और आज मैं उसको थोड़ा ट्विस्ट दे रही हूँ। तो आज मैं जो आपके सामने प्रेजेंट करने वाली हूँ वो है पेरी पेरी पोहा। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। पेरी पेरी पोहा बनाने के लिए आपको जो इंग्रेडिएंट्स लगेंगे वो है सॉल्ट, शुगर, फ्रेशली कोरिएंडर, 1 टेबलस्पून लेमन जूस, 1 कच्चा केला, मैंने इसे यहाँ पे कट करके पानी में भिगोया है सो दैट ये ब्लैक ना हो जाए, फाइनली चॉप्ड कैबेज, स्वीट कॉर्न, 1 बोल पोहा, करी लीव्स, पेरी पेरी मसाला, ग्रीन चिलीज। अब मैंने यहाँ पे पोहा को भिगो दिया है, इसी में मैं 1 टेबलस्पून लेमन जूस, 1 टेबलस्पून शुगर और 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ और इसे आपको मिक्स करना है और इसे आपको 5 मिनट तक रख देना है। अब हम इसमें 1/2 टेबलस्पून राई डालेंगे। करी लीव्स ऐड कर दिए हमने इसमें, अब हम इसमें ग्रीन चिली ऐड करेंगे, 1/2 टेबलस्पून हल्दी ऐड करेंगे। अब हम इसमें सारे वेजिटेबल्स ऐड करेंगे, कैबेज, स्वीट कॉर्न, कच्चा केला, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 मिनट तक पकने देंगे सो दैट हमारे केले थोड़े अच्छे से पक जाए। अब हम इसमें पेरी पेरी मसाला ऐड करेंगे। अगर आपके पास पेरी पेरी मसाला नहीं है तो आप पेरी पेरी मसाला घर पे भी बना सकते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगी कैसे बनाते हैं। अब हम इसमें जो हमने पोहा भिगोया था वो ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें कोरिएंडर लीव्स ऐड कर देंगे और ये हमारा पेरी पेरी पोहा रेडी हो गया है। अब हम इसे सर्विंग बाउल में ले लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।